Aleluia. 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 सो परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें नंदत हैं। हालेलुया। और जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो आज हम आनंदित हैं क्योंकि मेरे बेटे की 2 दिन पहले शादी हुई है, और एक वचन हम लोग देखना चाहते हैं, मरकुस की अंजील 8 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 9 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास खाने को कुछ ना था, तो उसने अपने चेलों के पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस बड़ी भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। तब उनके पास 7 रोटियां थी और 7 रोटियों को आशीष की और सब लोग खाकर तृप्त हो गए, जो लगभग 4,000 आदमी थे, औरतें और बच्चों को छोड़कर। हालेलुया। तो यहां पर जो लिखा हुआ है उसका 2 वचन, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह तरस करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह तरस से भरे हुए परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों पर तरस खाते हैं और लोगों की बीमारियों को दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब तरस खाते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं और हालात बदल जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा वालों पर तरस खाते हैं तो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह किसी गरीब पर तरस खाते हैं तो उसे धनी बना देते हैं। हालेलुया। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि यह 3 दिन से लगातार मेरे साथ है। वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रही थी 3 दिन तक, और वो जो रोटी पहले 7 लेकर आए थे वो खत्म हो चुकी थी, वो खा चुके थे सिवाय वो 7 रोटियों की। सो परमेश्वर के लोगों, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो प्रभु ने मुझे बात की मेरे से, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह इन 3 दिन के जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे उन पर प्रभु यीशु मसीह तरस खाते हैं, उनकी प्रभु यीशु मसीह चिंता करते हैं, तो आपकी चिंता जो 3 दिनों से कई ही अधिक आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, आपकी चिंता क्यों नहीं करते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह से मुख से निकला हुआ वचन है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये 3 दिन से मेरे साथ है। हालेलुया। आप कितने दिन से प्रभु यीशु मसीह के साथ हो सकता है आप 3 दिन से, 3 घंटे से, या 3 मिनट से आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, या 3 साल से, या 3 सालों से कहीं अधिक, 30 साल से। कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबा चल रहे हैं प्रभु के साथ। देखो हनोक जब प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर पिता के साथ चलता रहा तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग पर जीवते हुए उठा लिया था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो 3 दिन से उसके साथ है, जो 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, उनकी चिंता करते हैं, तो आप जो प्रभु यीशु मसीह के साथ इतने दिनों से चल रहे हो, आप जो प्रभु यीशु मसीह का वचन इतने दिनों से सुन रहे हो, वो आपकी चिंता क्यों नहीं करते? वो आपकी चिंता करते हैं। आप लोग कोई 6 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 1 महीने से, कोई 1 हफ्ते से, कोई 2 सालों से, कोई 10 सालों से, कोई 20 सालों से प्रभु यीशु मसीह के वचन सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ आप लोग चल रहे हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं तो आप सोच गए,
जब प्रभु यीशु मसीह तीन दिन वाले की चिंता करता है तो फिर 30 दिन वाले की चिंता क्यों नहीं करता? तो 365 दिन वाले की चिंता क्यों नहीं करता? 3650 दिन वाले की चिंता क्यों नहीं करता? हालेलुया, वो आपकी केयर करते हैं, वो आपको संभालना चाहते हैं, वो आपकी देखभाल करना चाहते हैं, क्योंकि वो तरस से भरे हुए परमेश्वर हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को तरस आया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे तरस आया है क्योंकि इनके पास कुछ भी खाने को नहीं है, इनके पास कुछ खाने को नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए और वहां पर चमत्कार किया। 7 रोटियों से 4000 से कहीं अधिक लोगों को खिला दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो जब प्रभु यीशु मसीह तरस खाते हैं वहां से चमत्कार होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और तरस कब खाते हैं? जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं तो वहां पर चमत्कार शुरू हो जाता है, वहां से प्रभु यीशु मसीह तरस खाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो भीड़ साथ चली, दूसरी बार साथ चली, तीसरे दिन साथ चली, जैसे ही साथ चली भीड़, प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर तरस खाने लगे, उनके उनका प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर ध्यान दिया, प्रभु यीशु मसीह उनकी चिंता करने लगे, प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में सोचने लगे। जब आप पढ़ेंगे वह लिखा है, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह यहां तक उनकी चिंता करने लगे कि अगर ये भूखे मैंने भेज दिए तो रास्ते में ये थक जाएंगे, थक कर चूर हो जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ये छोटी छोटी भी चिंता करते हैं, अरे अगर इन्होंने खाना नहीं इन्हें मिला तो ये तो थक जाएंगे, कैसे काम करेंगे, ये खाना नहीं मिला तो ये भूखे सो जाएंगे, अगर खाना नहीं मिला तो इनका क्या बनेगा, ये रास्ते में पहुंच नहीं जा सकेंगे, ये थक जाएंगे, इनका क्या होगा, ऐसी सारी बातों पर प्रभु यीशु मसीह जी विचार करने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। सो और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इतनी बड़ी भीड़, जब आप पहली लाइन पढ़ते हैं, पहली आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा है उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई तो उस बड़ी भीड़ के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह ने पहचान लिया। जैसे आप बड़ी भीड़ हो, आपके हो सकता मैं ना जानता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको पहचानते हैं। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, इनमें से तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर से आए हैं। हालेलुया। So, जब आप दूर से आए हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको जानते हैं भी बेचारे कितनी दूर से आए हैं, ये बेचारे के पास किराया नहीं था फिर भी आए हैं, ये बेचारे बस का इंतजार करते रहे, फिर ये बेचारे टेम्पो का इंतजार करते रहे, फिर वहां से चढ़े, फिर दूसरी जगह उतरे और फिर वहां से दोबारा टेम्पो लिया, ये बेचारों के फिर वाले टेम्पो वालों ने बेचारे को वहां पर मोड़ पे उतार दिया, वहां से फिर बेचारे पैदल चल के आए। कितनी छोटी छोटी बातों की आपकी चिंता करते हैं, आप कितने लंबे दूरी तो से आ रहे हैं, प्रभु के ध्यान में होता है ये तो इतनी दूर से आए हैं, ये तो बहुत दूर से आए हैं, इनको मैं खाली कैसे जाने दूं, इनको मैं भूखा कैसे जाने दूं। प्रभु यीशु मसीह अपने मन में विचार कर रहे थे, अरे इनको मैं खाने के बिना कैसे जाने दूं, इतनी दूर से तो आए हुए हैं, ये कहां कहां से लोग आए हैं, इनको मैं नहीं जाने दे सकता बिना कुछ तृप्त किए हुए। और परमेश्वर के लोगों, आज आप कहीं से भी आए हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आपको बिना तृप्त किए, बिना तृप्त किए यहां से नहीं जाने देंगे। हालेलुया। यानी कि आपको यहां से जाने से पहले वो तृप्त करेंगे। हालेलुया। जो कुछ आप चाहते हैं वहां, जिस चीज की जरूरत थी वहां जरूरत थी रोटी की, और उस रोटी से उन्हें तृप्त किया। आपको जिस चीज की जरूरत है वो हो वस्तु से, उसी चीज से आपको वो तृप्त करके भेजेंगे। अगर आपको चंगाई की जरूरत है तो आज चंगाई देकर भेजेंगे, अगर आपको शांति की जरूरत है आपको शांति देकर भेजेंगे, अगर आपको सफलता की जरूरत है सफलता
देकर भेजेंगे। अगर आपको जॉब की जरूरत है, जॉब देकर भेजेंगे। अगर आपको संतान की जरूरत है, संतान देकर भेजेंगे। अगर आपको धन संपत्ति की जरूरत है, वो देकर भेजेंगे। अगर पति और पत्नी में अनबन है और वो प्रेम की जरूरत है, वो देकर भेजेंगे आपको। हालेलुया। अगर आपको क्षमा की जरूरत है, तो आज क्षमा देकर भेजेंगे पापों की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तर्स से भरे हुए, प्रभु यीशु मसीह तर्स से भरे हुए, तर्स से भरे हुए कहने लगे, अरे कितनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इन्हें मैं खाली नहीं भेज सकता, इन्हें ऐसे नहीं भेज सकता, नहीं तो रास्ते में थक जाएंगे, रास्ते में थक्का चूर हो जाएंगे, ये लोग परेशान हो जाएंगे रास्ते में। नहीं नहीं, मैं इन्हें परेशान नहीं होने देना चाहता, मैं इन्हें भूखा नहीं भेजना चाहता, मैं इनके लिए क्या करूं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने तर्स खाकर चमत्कार किया। आज प्रभु यीशु मसीह आप पर तरस खाएंगे और चमत्कारेंगे। आए प्रभु यीशु मसीह आप पर तरस खाएंगे और आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। आए प्रभु यीशु मसीह आप पर तरस खाएंगे और आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। क्यों चमत्कार करेंगे? क्योंकि आप पिछले 3 मिनट से, पिछले 30 मिनट से, या पिछले 1 घंटे से, या 3 दिन से, या 3 साल से, या 3 महीने से, या कितने भी समय से आप प्रभु यीशु के साथ चल रहे हो, आप प्रभु यीशु का वचन सुन रहे हो, आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगी हुई हैं, आपका हृदय प्रभु यीशु मसीह के लिए धड़क रहा है, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में भूल गए के साथ में रोटी रखनी थी, आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते रहे एक मन लगाकर, और इसलिए प्रभु ने निर्णय किया है मैं तरस खाऊंगा और इनके जो भी कमियों से मैं पूरा करके इन्हें वापस भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस बड़ी भीड़ पर तरस आता है क्योंकि उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। अगर आपके घरों में खाने बहुतायत से खाने के लिए नहीं है तो आपकी प्रभु यीशु मसीह चिंता करते हैं। एक समय था जब हमारे पास बहुतायत से खाने के लिए कुछ नहीं होता था, हम भूखे सोते थे। क्योंकि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो मैंने उसी समय अपनी नौकरी छोड़ दी, घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था और मैं हमारे पास सारे रास्ते बंद हो चुके थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं था। एक झुग्गी एक झोंपड़ी में बनाई और उसमें मैं और मेरी पत्नी रहने लगे। दिन में उपवास रखते और रात को उपवास वैसे हो जाता क्योंकि खाने को कुछ नहीं होता था। लेकिन परमेश्वर ने तरस खाया, परमेश्वर ने देखा 1 दिन, परमेश्वर ने देखा 2 दिन, असल में परमेश्वर ने देखे थे 3 महीने। और 3 महीने के बाद हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दी। सो इसलिए अगर हम लोग जैसे तरसते थे अच्छा फल खाने के लिए, हम लोग तरसते थे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, हम लोग तरसते थे अच्छा खाना खाने के लिए, बाथू को हम लोग कूट कर ऐसे चटनी बनाकर बाथू की ऐसे कच्ची खा लेते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम पर तरस खाया और कहा मैं नहीं चाहता कि ये भूखे रहें। हालेलुया। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। अगर आपके घरों में, अगर आपके पास खाने को बहुतायत में नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह आप पर आज तरस खाते हैं और आपको खाने से तृप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इन लोगों पर तरस आता है क्योंकि इनके पास पहनने को कुछ नहीं है। अगर आपके पास अच्छे वस्त्र नहीं है पहनने के लिए तो आप सोचिए प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके खाने की चिंता करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके पहनने की चिंता करते हैं। जहां लिखा हुआ है उसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है इनके पास कुछ भी पहनने को नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार करेंगे और सब कुछ अच्छा कर देंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस भीड़ पर, मुझे इन लोगों पर तरस आता है क्योंकि इनके पास रहने को कुछ नहीं है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है
और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। पर यीशु मसीह आपके लिए कहते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जो अपने किराए के मकान पर रहते हैं, पर यीशु मसीह कहते हैं मुझे इन लोगों पर तरस आता है क्योंकि उनके पास कुछ भी रहने को घर नहीं है। पर यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं, पर यीशु मसीह आपकी केयर करते हैं, पर यीशु मसीह आपको संभालना चाहते हैं, पर यीशु मसीह आपको अच्छा घर देना चाहते हैं, आप अच्छा खाना खाएं, आप अच्छे कपड़े पहने, आप अच्छे घर में रहें, पर यीशु मसीह आप पर तरस खाते हैं और आपके लिए सब पूरा करते हैं। फिर यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि उनके पास कुछ भी चंगाई नहीं है। आप में से बहुत ऐसे हैं जिनके पास चंगाई नहीं है, आप में से ऐसे हो सकते हैं जिनके पास चंगाई नहीं है, क्योंकि यशायाह 1 अध्याय और उसका 6 वचन कहता है सिर से लेकर पांव तक कहीं भी चंगाई नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके पास चंगाई नहीं है, जिनका हृदय दुख से भरा हुआ है। परमेश्वर के लोगों, आज जब आप यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं और यीशु मसीह कहते हैं मुझे इन लोगों पर, इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि उनके पास कुछ भी चंगाई नहीं है। पांव में बीमारी है, घुटनों में बीमारी है, पेट में बीमारी है, गुप्त बीमारियां हैं, गर्दन में बीमारियां हैं, दिल में बीमारियां हैं, फेफड़ों में बीमारियां हैं, गुर्दों में बीमारियां हैं, आंखों में बीमारियां हैं, मुंह में बीमारियां हैं, सिर में बीमारियां हैं। यशायाह 1 अध्याय 5-6 वचन में जैसे लिखा है पांव से लेकर सिर तक कहीं भी चंगाई नहीं है। ऐसे लोग, सो अगर आप में से कोई ऐसे हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे उन लोगों पर तरस आता है क्योंकि उनके पास कुछ भी चंगाई नहीं है। और जैसे प्रभु यीशु ने उन्हें तृप्त करके भेजा था, आज प्रभु यीशु मसीह आपको तृप्त करके भेजेंगे। हालेलुया। आज जैसे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसे उन्हें चंगाई के लिए से तृप्त, उन्हें रोटी से तृप्त किया। अगर आज आपके पास चंगाई नहीं है, पर भी यीशु मसीह तरस खाएंगे और आपको चंगाई से तृप्त करेंगे। पांव से लेकर सिर तक कोई भी बीमारी है, आज पर भी यीशु मसीह आप पर तरस खाने वाले हैं। अगर आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है तो आज पर भी यीशु मसीह आप पर तरस खाने वाले हैं। अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, आज पर भी यीशु मसीह आप पर तरस खाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी जॉब नहीं है। हो सकता है आप में से किसी के पास जॉब ना हो, हो सकता है आप में से किसी के पास जॉब ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसे इन्हें कहते थे कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी खाने को नहीं है, और सिर्फ क्या प्रभु खाने की चिंता करते हैं, नहीं, आपकी जॉब की, आपकी नौकरी की भी चिंता करते हैं, आपके बिजनेस की चिंता करते हैं, आपके काम धंधे की चिंता करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी जॉब नहीं है। ये बेचारे धक्के खा रहे हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। जैसे यहां से रोटी से तृप्त किया, आज प्रभु यीशु आपका तरस आएंगे और आपको जॉब से, नौकरी से तृप्त कर देंगे। जैसे वो उन्हें प्रभु यीशु ने खाने से, रोटियों से तृप्त किया, आपको जॉब से, नौकरियों से तृप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस बड़ी भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी धन संपत्ति नहीं है। क्या सिर्फ आपकी रोटी की चिंता करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके धन और आपकी संपत्ति की चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह देखते हैं इनके पास धन है या नहीं है। प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि इनकी कमाई तो कोई दूसरा खा रहा है। प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि ये तो छेद वाली थैली में पैसा रख रहे हैं और सब निकल रहा है, धन नहीं है घर में, कुछ नहीं, अच्छे से बस दिन पूरे हो रहे हैं, टाइम पास हो रहा है। तो मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी धन संपत्ति नहीं है। और जैसे खाने से तृप्त किया था, वैसे प्रभु यीशु मसीह आपको धन और संपत्ति से तृप्त करेंगे।
जैसे खाने से तृप्त किया प्रभु यीशु ने तरस खाया और उन्हें खाने से तृप्त कर दिया, वैसे प्रभु यीशु मसीह आपकी आपके धन संपत्ति की चिंता करते हैं, आपको धन संपत्ति से तृप्त कर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। योएल 2 अध्याय उसका 26 और 27 वचन में लिखा हुआ है कि तुम पेट भर खाओगे, तुम तृप्त हो जाओगे। हालेलुया, तुम तृप्त हो जाओगे और मेरे लोगों की आशा फिर कभी ना टूटेगी, मेरे प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर मुझसे कहते हैं मुझे इस बड़ी भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी आशा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को तरस आता पर क्योंकि आपने आशा लगाई थी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन जितनी आपकी आशाएं थी सब टूट गई, आपकी आशा खत्म हो गई। आपने अपने परिवार के बारे में आशा की वो टूट गई, आपने अपने घर के बारे में आशा रखी वो टूट गई, आपने अपने जॉब नौकरी के बारे में आशा रखी वो टूट गई, आपने बिजनेस के बारे में आशा रखी वो टूट गई, आपने तंदुरुस्ती की आशा रखी वो नहीं मिली, चंगाई नहीं मिली, आपने आशा रखी आपके धन संपत्ति और आगे बढ़ने के लिए वो नहीं मिली, आपने आशा रखी सफलता के लिए वो नहीं मिली, आखिर आपकी आशा टूट गई। हो सकता है ऐसा कोई हो जिसकी आशा आप में से भी हो जिसकी आशा टूट चुकी है, यानी कि वो निराश हो सकता है, अपने जीवन से निराश हो चुका है, अपने जीवन से निराश हो चुका है। सो प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं अगर आप निराश हो चुके हैं तो, आप अगर निराश हो चुके हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी आशा नहीं, कुछ भी आशा नहीं है, सब आशा टूट गई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया, जो भी आपने आशा रखी है वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे, जो भी आपके मन की रीज है, जो भी आपके मन की इच्छा है, जो भी आपके मन की आशा है आपको तृप्त करके भेजेंगे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, आज आप पर तरस खाएंगे और आपको तृप्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इन पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी संतान नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह सिर्फ रोटी की चिंता करते हैं कि आपके पास खाना नहीं है? अगर आपके संतान नहीं है उसकी चिंता करते हैं? यहां तक 3 दिन वाले लोग हैं, आप तो कितने सालों से प्रभु के साथ हो और प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक दिन उत्तम दिन ठहरा रखा हुआ है। हालेलुया, आपके जीवन में चमत्कार करने का, और वो दिन आपके लिए आज है, वो दिन आपके लिए आज है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं मुझे इन लोगों पर तरस आता है कि इनके पास कोई भी संतान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इन लोगों पर तरस आता है कि उनके पास बेटियां हैं और एक ही बेटा नहीं है जो इन्हें बुढ़ापे में संभाल सके। हालेलुया, और जैसे प्रभु यीशु मसीह रोटियों से तृप्त करते हैं वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपको संतान से, आपके बेटे की आशाओं से, बेटियों की आशाओं से आपको तृप्त कर भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताड़ी बजाते प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि पास कुछ भी छुटकारा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बंधनों में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी शरापों के बंधनों हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी दुष्टात्मा के बंधनों में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जादूत बीज के बंधनों में हैं। आप में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो जादूत बीज के और शैतान के बंधनों में हो और कोई भी छुटकारा नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह आप पर तरस खाते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आप पर तरस खाते हैं और प्रभु कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी छुटकारा नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह
आपको छुटकारे से तृप्त कर भेजेंगे। आज परमेश्वर से आपको छुटकारे से तृप्त करके, जैसे रोटियों से तृप्त किया था बहुतायत से, और वैसे ही आज आपको बहुतायत से छुटकारा देंगे, दुष्ट आत्माओं से, बंधनों से, जादू बीज के बंधनों से, बुरी नजर के बंधनों से, हर एक शराब से आपको छुटकारा देकर भेजेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास शांति नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है कि उनके पास कुछ भी शांति नहीं है, ना परिवार में शांति, प्रभु यीशु मसीह देखते हैं ना काम के स्थान पर शांति, जहां काम पर जाते हो कहीं भी शांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी शांति नहीं है। जैसे कहा था कुछ भी खाना नहीं है, जब खाने से जैसे तृप्त किया था वैसे प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हें शांति से तृप्त कर भेजेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस बड़ी भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी आराम नहीं है। अगर आपके पास आराम नहीं है तो आज आपको प्रभु यीशु मसीह तृप्त कर भेजेंगे। परमेश्वर कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी सफलता नहीं है, कुछ भी सफलता नहीं है, ना दादा सफल थे, ना पिताजी सफल थे, ना खुद सफल है, ना बच्चे सफल है। लेकिन जैसे परमेश्वर मसीह ने उन पर तरस खाया और उनके खाने के लिए सब अरेंजमेंट किया, बहुतायत से सब उन्हें तृप्त किया, वैसे परमेश्वर मसीह कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी सफलता नहीं है, तो आज मैंने सफलता से तृप्त कर भेजूंगा, आज इन्हें मैं सफलता दूंगा, आज मैंने सफलता दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी क्षमा नहीं है, पापों की क्षमा के लिए जगह 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 जाते रहे लेकिन कहीं से भी क्षमा नहीं मिली, और आज परमेश्वर मसीह को आप पर तरस आता है और वो आपको पापों की क्षमा देना चाहते हैं, आज आपको पापों की क्षमा से तृप्त कर भेजना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे वहां पर परमेश्वर ने खानों से तृप्त किया, आपको खाने से, पहनने से, रहने के घर से, चंगाई से, धन संपत्ति से, जॉब से, छुटकारा से, आशा से, क्षमा से, शांति और आराम से, संतान और बेटे से तृप्त कर भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो अगर आपके पास कलीसिया की कमी है तो प्रभु यीशु कहते हैं मुझे इस पर तरस आता है क्योंकि इनके पास कुछ भी कलीसिया नहीं है। अगर आपके चर्च में 2, 4, 10 लोग आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको तृप्त करेंगे कलीसिया से और आपकी कलीसिया को बढ़ाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप पर तरस खाएंगे। हालेलुया, जैसे तरस खाएंगे आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आपके जीवन में आप चंगाई से तृप्त होंगे, छुटकारे से तृप्त होंगे, धन संपत्ति से तृप्त होंगे, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पूरा कर देंगे। हालेलुया। लेकिन तरस कब आया? जब वो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे थे, जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, 3 दिन लगातार चले और वहां चमत्कार है। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह से वचन को सुना है और वो आपके लिए तरस से भर गए हैं, वो ध्यान दे रहे हैं आप कितनी दूर से आए हैं, कितनी कठिनाई से पहुंचे हैं चर्च में, प्रभु यीशु मसीह सब देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि आप थक जाएं। आप जरा सोचो, वहां लिखा है यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, ये तो मार्ग में थक जाएंगे, कहीं ये रास्ते में थक ना जाएं, तो क्या प्रभु यीशु मसीह ये चिंता नहीं करते कि क्या कहीं इन्हें बुखार ना हो जाए, कहीं इन्हें डेंगू ना हो जाए, कहीं इन्हें चिकनगुनिया ना हो जाए,
कहीं इन्हें कोई टीबी की बीमारी ना हो जाए, कहीं इनके पथरी ना हो जाए, क्या चिंता नहीं करते हैं? तरस खाते हैं और आपके जीवन में अद्भुत काम करते हैं। पर भी यीशु मसीह आपकी थकावट के बारे में सोचते हैं। ध्यान दीजिए, आप थक जाते हैं पर भी यीशु मसीह आपको बल देते हैं, जैसे वचन में लिखा हुआ है यशायाह 40 अध्याय उसका 29, 30 और 31 वचन में, वो थके हुओं को बहुत बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह आपको थकने नहीं देना चाहते, प्रभु यीशु कहते ना ना कहीं थक ना जाएं ये। कितने दिन के लोगों को जो 3 दिन से प्रभु यीशु के साथ थे, आप कितने दिन से हो? कोई कितना, कोई कितना, कोई कितना और कोई कितना। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, आप देखो प्रभु यीशु मसीह कितना तरस से भरे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं रास्ते में थक ना जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह सोचते होंगे, अरे ये बस अड्डे पे जाएंगे, बस स्टैंड पर तो बस का वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, कहीं थक ना जाएं, कहीं भूखे वापस ना जाएं, वहां पर फिर गांव जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा, कहीं थक ना जाएं, कहीं थक ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी संभाल करते हैं प्रभु यीशु मसीह, कहते हैं कहीं थक ना जाएं। इस बात की चिंता, जब इस बात की चिंता करते हैं और आप पर तरस खाते हैं कि कहीं आप थक ना जाएं, तो आपकी बीमारियों की चिंता क्यों नहीं करते? वो आप पर तरस खाते हैं, आप पर ध्यान लगाते हैं और बस ये चाहते हैं कि मेरे साथ बने रहो, और वो आपको चंगाई से तृप्त करना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु से कहें, मेरे ते यीशु जी तरस खाओ। क्योंकि जब प्रभु यीशु तरस खाते हैं, 38 साल का दरंगी था, प्रभु यीशु मसीह ने देखा, अरे इसे 38 वर्ष हो गए हैं, और प्रभु यीशु ने तरस खाया और उसे कहा अपनी मंजी उठा और अपने घर जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होरी बारा साखरा बाबा सीखी भी निमा, प्रभु से कहें मेरे ते यीशु जी तरस खाओ, मेरे ते यीशु जी तरस खाओ। जैसे आप तरस खाएंगे आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। रिबारा सोखो रु बनो सोखो रिबिरी सिखाला साखो बोनमा। अपने रहम दे निगा कर जावो, सब लोग अपने रहम दे निगा कर जावो, मेरे ते यीशु जी तरस खावो, मेरे ते यीशु जी तरस खावो। आप भी कहें मेरे ते यीशु जी तरस खाओ। जैसे प्रभु यीशु से आप तरस खाएंगे, आपके जीवन में आज इसी वक्त चमत्कार होंगे। आज इसी वक्त आप जैसे कहेंगे प्रभु यीशु जी मेरे पे तरस खाओ, आज इसी वक्त प्रभु यीशु से आपके जीवन में तरस खाकर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। मेरे ते यीशु जी तरस खाओ, मेरे ते यीशु से तरस खावो, हाँ मेरे ते यीशु से तरस खावो, मेरे ते यीशु से तरस खावो। मेरे ते यीशु से तरस खावो, उस भीड़ पर प्रभु यीशु को तरस आया क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था, और प्रभु यीशु मसीह आप पर तरस खाएंगे। आपकी कोई भी कमी और घटी है उसे दूर करेंगे, आपको चंगाई देंगे, आपको छुटकारा देंगे, आपको सफलता देंगे, आपको जॉब देंगे और आपको ब्लेस करेंगे। आप कहें मे
मेरे ते यीशु से तरस काबू। हा मेरे ते यीशु से तरस काबू। मेरे ते यीशु जे तरस काबू। अपने रहम दे निगाह कर जावो। अपने रहम दे निगाह कर जावो। मेरे ते यीशु से तरस काबू। रे परस खुरबुन सुखरो। मेरे ते यीशु से तरस काबू। देवो दीदार यीशु जे दर्शन मेरिया अखिया। देवो दीदार यीशु जे दर्शन मेरिया मेरिया अखिया मेरिया अखिया। मेरिया अखिया मेरिया अखिया। मेरिया अखिया मेरिया अखिया। देवो दीदार यीशु जे देव दीदार यीशु जे तेरे कृपा हर पल में चाहा। तेरे कृपा हर पल में चाहा। प्रभु से कहें प्रभु जी तेरी कृपा में हर पल चाहा। तेरी कृपा हर पल में चाहा। तेरे वचन नाल तेरा बन जावा। मेरे ते यीशु जे तरस काबू। मेरे ते यीशु जे तरस काबू। आ मेरे ते यीशु जे तरस काबू। आ मेरे ते यीशु जे तरस काबू। रब रस खर बन सुखर होरे बिसलासा। ओ लब लल बर बबर दबल बबर दबर 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 नबा। मेरे ते यीशु से तरस काबू। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि ये तीन दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। तरस से भरे हुए परमेश्वर आज इस भीड़ पर तरस खाएं और हमारे बीच में चमत्कार करें। आज हमारे बीच में अद्भुत काम करें। आज हमारे बीच में अद्भुत काम करें मेरे परमेश्वर से। रुपो रुसो खुर रुपो। प्रभु करें प्रभु जी मुझ पर तरस खाएं। 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 प्रभु जी मुझ पर तरस खाएं।